वन होप यूल टूडे वी आर हेयर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स आपको पता है स्टेटिस्टिक्स जो टॉपिक है वो बी एड का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एम एड में भी ये टॉपिक आता है स्टेटिस्टिक्स तो अभी हम करेंगे स्टेटिस्टिक्स के बारे में कि स्टेटिस्टिक्स एक्चुअल में होता क्या है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लिखे आऊँगी कि इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं तो पहले इंपॉर्टेंस करने से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स होता क्या है तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सिंपल सी चीज़ है अगर मैं सिंपल सा आपको याद करवाऊँ तो आपने देखा होगा कि आपने मैथ्स की बुक तो पढ़ी होगी राइट सबने और मैथ्स में क्या स्टैटिस्टिक्स होते थे स्टैटिस्टिक मतलब मीन निकालो मोड निकालो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ ये सब चीज़ें होती थी जब भी किसी चीज़ का एवरेज निकालना है इन सब में क्या नंबर्स होते थे बहुत सारे नंबर्स होते थे और जब भी आप नंबर्स से डील करते हो नंबर्स मे वी वन में भी टू ऑन, जितने मर्जी जितना भी नुमारिक डाटा होता है ना उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जब भी आप नुमरिक इन्फॉर्मेशन की बात करोगे नुमैरिक मतलब नंबर्स की बात करोगे नंबर्स आप सबको पता है कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती हैं राइट किसी चीज़ का एवरेज निकालना है फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजुकेशनल रिसर्च की बात करें तो आप रिसर्च कर रहे हो कहीं पे जाके सर्वे कर रहे हो किसी चीज़ का तो आप क्या करोगे जैसे कई बार होता है ना आप देखते हो कई बार आप अब कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसमें भी क्या फाइव स्टार्स दिए होते हैं वो कहते हैं आपको फाइव में से आप टू स्टार्स दो थ्री स्टार्स दो आपको कैसी लगी रेटिंग्स देनी है आपने नंबर्स में देनी है स्टार्स में देनी है मतलब टू टू थ्री और फोर फाइव ये सब क्या है नंबरिंग है कि आप उसको नंबर्स दो आप कितने दोगे वो होती है स्टेटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मतलब कोई भी फैक्ट हो सकता है मे बी एनी जब नंबर्स की बात हो क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी थी फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पूछा गया जैसे आपकी टीचर ने पूछा आपको कि बेटा आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया देखिए आपने बोल दिया मैंने ये खाया मैंने वो खाया बट ये क्वान्टिटी थोड़ी हुई अगर आपकी टीचर आपसे पूछेगी कि आपने आज नाश्ते में इतने कितने पराठे खाए कितने मतलब नंबर्स की बात आ गए तो वो चीज़ आ जाएगी आपकी क्वांटिटेटिव में जब नंबर्स की बात हो ठीक है इन शॉर्ट इट डील्स विद द नुमैरिक डाटा एंड द इंफॉर्मेशन फॉर मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ इवेंट एंड एनालिसिस कि आपने उस जो इवेंट को इवेंट पे रिसर्च किया या आपसे किसी ने कुछ पूछा आपने नंबर्स में जब उसको आंसर दिया एक नुमैरिक डाटा दिया कि इतना हुआ आपने सर्वे किए आपने इतनी सारी एनालिसिस की आपने बहुत सारा सर्च किया कितनी की क्वांटिटी बतानी है राइट right? ज़्यादा कम थोड़ा नंबर्स में तो उसको क्या बोलते हैं हम सिंपल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल वर्ड आया कहाँ से है ये लैटिन वर्ड स्टैटस से आया है जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट एंड गवर्नमेंट की बात की गई है मतलब चाहे पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट की बात इन द सेंस कि जैसे कि कोई भी चीज़ वो आपकी डेली लाइफ में काम आती है और कई सारे साइंटिस्ट भी थे एक्चुअल में यू कैन से राइटर्स कह सकते हो आप उनको तो उन्होंने भी प्रिडिक्ट किया था कि कुछ साल बाद स्टैटिस्टिक्स को जो होगी ना इतनी ज़्यादा जरूरी

Uh, मतलब आप गए किसी स्कूल में राइट right? तो आपने देखना था कितने बच्चे मतलब बहुत इंटेलिजेंट लेवल के हैं बहुत कम लेवल के हैं ये सब चीज़ें आपने चेक करनी थी तो आप क्या करोगे सभी बच्चों का मेन लेकर उसमें से उसका एवरेज निकालोगे कि कहाँ से कितने बच्चे इंटेलिजेंट थे और कितने नहीं इंटेलिजेंट थे कितने एवरेज थे ये सब चीज़ें आप देखोगे मतलब आप स्टैटिस्टिकल मैथड यूज़ करोगे मे बी मीन मे बी मीडियन ये सब चीज़ें आप यूज़ करके नुमारिक डाटा यूज़ करके आप निकालोगे कि कितने बच्चे इंटेलिजेंट थे और कितने कम इंटेलिजेंट थे जो भी एवरेज आपने निकालना है ठीक है तो ये सब किस चीज़ से डील करोगे आप नुमारिक स्टैटिस्टिक्स के बात करोगे टू इंश्योर दैट आर कंक्लूजन आर मीनिंगफुल इट इज़ नेसेसरी टू सब्जेक्ट आर डाटा सो दैट रैशनल डिसीजन कैन बी मेड कि स्टेटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है अच्छे से उस मैथड को मतलब यूज़ करना बहुत ज़रूरी है मीनिंगफुल बनाना होगा आपको जो भी आप रिजल्ट निकाल रहे हो उसका वो रिज़ल्ट मीनिंगफुल होना चाहिए ठीक है ताकि जो भी आपने डाटा किया है उससे आप सही डिसीजन ले सको बिकॉज देखो डाटा ही अगर आपका सही नहीं होगा तो आप डिसीजन करेक्ट नहीं ले पाओगे उस चीज़ को लेकर ठीक है स्टैटिस्टिक्स हैव बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर डेली लाइफ ये तो हमें पता है स्टैटिस्टिक्स डेली लाइफ का ही पार्ट है फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाते हो कोई आप चीज़ लेते हो तो आपको पता है कि आपने कितने की लेनी है और कितने की नहीं लेनी है ठीक है तो आप उस अकॉर्डिंग मतलब नूमरल्स आ गए उसमें नुमैरिक की बात आ गई नंबर्स की बात आ गई कि सिर्फ आपने इतना ही लेना है इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना ठीक है तो वो हो जाता है स्टैटिस्टिक्स ये तो डेली लाइफ का हिस्सा है ठीक है फेमस राइटर एच जी विल्स हैज़ प्रडिक्टड नियरली अर सेंचुरी ओ गो ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो राइटर्स राइटर्स थे उनमें से एक राइटर था एच जी विल्स तो उन्होंने क्या प्रडिक्ट किया था कुछ सेंचुरी पहले कि जो स्टेटिस्टिकल थिंकिंग है विल वन डे बी अनेसेसरी फॉर एफिशियंट सिटीजनशिप एज द बिलट टू रीड एंड राइट या आप सबको पता है रीड और राइट करने में कहीं ना कहीं आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती ही है और ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है ये आप सबको पता है ठीक है फिर कुछ राइटर्स की मैं राइटिंग्स बता देती हूँ आपको जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को लेकर बोली ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में ये राइटर्स की जो राइटिंग्स होती है ना ये आपको एग्ज़ाम्स में मतलब जैसे एट मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको लिखनी पड़ेंगी और अगर आप लिखते हो अच्छे से लिखते हो तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू ए एल बाउली ए एल बाउली ने क्या बोला कि जो स्टैटिस्टिक्स इज कॉलर साइंस ऑफ काउंटिंग एंड एवरेजेस ये तो हमें पता है किसी चीज़ को काउंट करना और किसी चीज़ का एवरेज निकालना उसको क्या बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं ये किसने बोला ए एल बाउली ने ठीक है फिर क्रॉस्टोन एंड काउडेन ने क्या बोला कि जो स्टैटिस्टिक्स है साइंस अगर हम साइंस की तरफ से देखें तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में क्या है कलेक्ट करना किसी चीज़ की कलेक्शन करनी फॉर साइंस में क्या होता है रिसर्च वर्क ही होता है आप रिसर्च कर रहे हो ठीक है किसी चीज़ के बारे में कलेक्शन कर रहे हो कितना कलेक्ट कर रहे हो ये क्वांटिटी में आ गया फिर उस कलेक्ट की हुई चीज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हो ठीक है अपने वे में क्या कर रहे हो प्रेजेंट कर रहे हो फिर उसको एनालाइज़ करके देख रहे हो कि क्या क्या जो चीज़ें मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है राइट फिर इंटरप्रटेशन करते हो न्यूमरिकल डाटा से कि मैंने कितना कर लिया और कितना मुझे आगे करना है इंटरप्रेट करते हो खुद को जज करते हो देखते हो रिजल्ट निकालते हो कंक्लूजन निकालते हो ठीक है तो ये है क्रॉक्स्टन एंड काउडन ने जो बोला कि जो है साइंस की भाषा में अगर देखा जाए तो कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है न्यूमेरिकल डाटा का अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता लग गया कि न्यूमेरिकल डाटा से जितना भी डेली लाइफ का हमारा काम होता है उसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है ठीक है जो नंबर से डील करता है फिर स्टैटिस्टिक्स से कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कि क्यों किया जाता है पहला क्या करेक्टरिस्टिक्स है उसका कि वो क्वांटिटेटिव होता है आपको पता है क्वांटिटेटिव मींस नंबर्स में होता है ये एक प्लान पर्पस होता है ये भी आपको पता है रिसर्च वर्क करनी है तो प्लानड ही होगा कोई टॉपिक स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स ये भी सही है कि बहुत सारे फैक्ट्स एग्रीगेट होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स आप क्या करते हो छोटे छोटे फैक्ट्स को इकट्ठा करके एक बड़ा फैक्ट बनाते हो कि हाँ एक्चुअल में ये है इट इज़ नॉट द आउटकम ऑफ सिंगल कॉज बट वेरियस कॉजेस एक कॉज से मतलब एक रीज़न लेकर आप आउट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते आपको बहुत सारे मतलब रीजंस चाहिए कॉजेज चाहिए कि एक्चुअल में ये हुआ क्यों है मस्ट बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर वो भी है रिलेशन होगा एक दो नंबर्स में तभी जाके आप क्या कर सकते हो उसको स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हो जब आपके पास कंपेरिजन के लिए कुछ नहीं है तो आप उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते हेल्प्स इन प्रडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स ये भी सही है आपको फ्यूचर में क्या होगा कैसे ट्रेंड्स आएंगे जैसे कि वो सेंचुरी अगो एच डी वर्ल्स ने बोला था कि आगे जाके आपको स्टैटिस्टिक्स की बहुत जरूरत पड़ेगी वैसे ही स्टैटिस्टिक्स की भी करेक्टरिस्टिक्स है कि ये फ्यूचर प्रोडिक्शन में काम आता है ट्रेंड्स में देन डाटा कलेक्टेड शुड बी इन सिस्टमैटिक ऑर्डर सिस्टमैटिक ऑर्डर में होगा ये आप सबको पता है प्रॉपर ऑर्डर में होगा तभी तो डाटा कलेक्ट हुआ मीनिंगफुल माना जाएगा फिर एक एक चीज पढ़ाती हूँ पहले तो मैं आपको स्टेटिस्टिक्स एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स कहने का मतलब क्या था वही बहुत सारे फैक्ट्स की कलेक्शन होती है सिंगल फैक्ट कैन बी कॉल स्टेटिस्टिक्स जो सिंगल फैक्ट होता है एक फैक्ट लेकर आप चलोगे उसको स्टेटिस्टिक्स थोड़ी बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स होता है बहुत सारे फैक्ट्स को लेकर चल रहे हो देखो आपने कोई रिसर्च वर्क करना है आप एक ही चीज को लेकर घुमा फिरा के वही आ जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं राइट तो बहुत सारे फैक्ट्स सही है कि एक्चुअल में ये हुआ क्यों आप बहुत सारे रिसर्च करोगे तो जाके आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ये हुआ क्या बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं राइट अकॉर्डिंगली देयर मस्ट बी एग्रीगेट ऑफ दिस फिगर्स कैसे होता है एक एग्जांपल देख लेते हैं हम जैसे इफ आई से दैट आई अर्न डॉलर 30000 पर ईयर इसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल रही है ऑन द अदर हैंड इफ आई से एवरेज सैलरी ऑफ अ प्रोफेसर एट अ कॉलेज इज दिस दिस वुड बी कंसीडर्ड एज स्टैटिस्टिक्स ठीक है कहने का मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं तीस हज़ार डॉलर हर साल कमाता हूँ तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे अगर हम एक्चुअली उसको बताएंगे कि तीस सैलरी वहाँ के प्रोफेसर की है क्योंकि कई बार क्या होता है लाइब्रेरियन की तनख्वाह मतलब सैलरी कुछ और होती है राइट right? टीचर्स की सैलरी कुछ और होती है प्रोफेसर की सैलरी और होती है प्रिंसिपल की और होती है तो उसको एक्चुअल में बताना है कि प्रोफ़ेसर की सैलरी थर्टी थाउजेंड है बाकी किसकी क्या होगी आपको नहीं पता तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे अगर हम सीधा जाके इसको बोल देंगे कि भाई तीस हज़ार साल की सैलरी है मैं अर्न करता हूँ उसको हम स्टैटिस्टिक्स थोड़ी बोलेंगे हम उसको बताएंगे कि एज़ अ प्रोफेसर मेरी सैलरी इतनी है

प्रभाव डालते हैं उस आपकी रिसर्च पर आपकी चीज़ पर फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि क्राइम रेट है न्यूयॉर्क का पंद्रह परसेंट इनक्रीज़ हो गया है पिछले साल से ज़्यादा मतलब न्यूयॉर्क में पिछले साल से आ, आज पंद्रह परसेंट ज़्यादा क्राइम हो गया क्यों हुआ बहुत सारी फैक्ट्स की वजह से मल्टीपल कॉजेज़ की वजह से हुआ क्यों क्या पता वहाँ पर ड्रग्स वगैरह ज़्यादा हों अनइम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो सकती है ठीक है सोशल स्ट्रक्चर फैमिली का कैसा है ये सारे मतलब क्या है इफ़ेक्ट्स हैं बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो इंसान पूरी तरह ही बिहेव करेगा सिंपल सी चीज़ है वही उन्होंने बोला मे भी वहाँ पे ड्रग्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हों ठीक है अनइम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गरीबी की वजह से भी इंसान नशे करता है तभी तो क्राइम रेट बढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत सारे मतलब कॉजेज़ हैं मल्टीपल कॉजेज हैं जो एक चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं मतलब ड्रग्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है जिस वजह से क्राइम रेट इंक्रीज़ हो रहा है इफेक्ट तो पड़ रहा है ना क्राइम रेट इंक्रीज़ हो रहा है देन न्यूमेरिकल एक्सप्रेस ये तो आपको पता है कि क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन ही होती है स्टैटिस्टिक्स और इसको न्यूमेरिक डाटा से ही आप बता सकते हो डाटा कलेक्टेड इज़ सिस्टमैटिक मैनर आप सिस्टमैटिक मैनर में ही करोगे ना एक सिस्टम होता है किसी चीज़ को करने का जैसे आपने रिसर्च करनी है तो आपको क्या बताया गया था तो पहले आप कलेक्ट करोगे सारी चीज़ें कि हाँ ये ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं और मैंने इसको इकट्ठा करके रिसर्च करनी है तो आप उसको प्रजेंटेशन करोगे मतलब इकट्ठा करके आप प्रजेंट कर रहे हो एंड एनालाइज़ करोगे कि क्या मेरी प्रेजेंटेशन सही थी खुद को एनालाइज करोगे चेकआउट करोगे उसको तोड़ तोड़ के देखोगे छोटे छोड़ छोटे पार्ट्स में क्या में सही था फिर इंटरप्रेट करोगे ठीक है इंटरप्रेट जो कलेक्शन की थी फिर से आप उसको कंक्लूड करोगे रिजल्ट दोगे तो ये सिस्टम होता है किसी चीज को करने का ऐसे तो नहीं है कि पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एमएड कर रहे हो आप एग्जाम देने हैं आप पढ़ रहे हो ठीक है आप चैप्टर वाइज लर्न करोगे कि पीछे से स्टार्ट हो जाते हो नहीं पहले एग्जाम्स थोड़ी होते हैं पहले आप लर्निंग करते हो तो वैसे ही एक सिस्टम होता है किसी चीज़ को करने का पहले लर्निंग देन कम एग्जाम्स एग्जाम्स पहले कभी नहीं होते राइट लर्निंग right? से पहले तो ये क्या एक सिस्टम है उस चीज़ को करने का तो आई होप टूडेज वीडियो इज यूज़फुल फॉर यू थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज ऑन फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज ऑफ एम और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स